अब देखेंगे कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है तो केमिस्ट्री एक सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में और इसको ज़्यादातर दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस के साथ जोड़ कर भी देखा जाता है केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ में एप्लीकेबल हैं जैसे कि वेदर पैटर्न्स फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स अल्कलीज एसिड सॉल्ट्स डाइज पॉलीमर्स ड्रग्स सोप्स डिटर्जेंट्स मेटल्स अलॉयज

और ये इसको आप एग्जाम सॉरी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो हो रहा है वेराइटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का या इम्प्रूव वराइटी ऑफ पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का तो केमिस्ट्री जो है वो हमें मेथड प्रोवाइड करती है फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स नेचुरल सोर्सेज से किस तरीके से हमें अपनी जान बचाने वाली दवाइयों को अलग करना है और पॉसिबल सिंथेसिस भी कैसे हो सकता है उन दवाइयों का यानी उन मेडिसिन उन ड्रग्स का हम उन्हें लैब में कैसे तैयार कर सकते हैं तो कुछ ड्रग्स जो है वो हैं जैसे कि किसप्लाटिन और टेक्सोल जो कि कैंसर थेरेपी में काफ़ी इफेक्टिव है जो ड्रग एजेटी है जिसको एजीडोडीन कहते हैं उसको यूज किया जाता है एड्स पेशेंट को हेल्प करने के लिए केमिस्ट्री काफी Uh, हद तक कंट्रीब्यूट करती है इन द दे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ़ अ नेशन अगर हम केमिकल uh, प्रिंसिपल्स की अच्छी समझ रखें तो अब हमारे लिए पॉसिबल है कि हम डिज़ाइन uh, भी कर सकते हैं और सिंथेसाइज़ भी कर सकते हैं न्यू मटेरियल्स को जिनमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और ये ऑप्टिकल <coughs> माने लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ uh, <coughs> हाँ तो हम ऐसे चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और इससे सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है कंडक्टिंग पॉलीमर्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है केमिस्ट्री ने बहुत हेल्प करी है इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में जो कि यूटिलिटी गुड्स बनाते हैं जैसे कि एसिड्स अल्कलीज डाइज पॉलीमर सॉरी पॉलीमेसर मेटल्स एट्सट्रा तो ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये बहुत बड़े तरीके से इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन की और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं रीसेंट ईयर्स में केमिस्ट्री ने हमें हेल्प करी है कुछ प्रेसिंग आस्पेक्ट से डील करने में इन्वायमेंटल डिग्रेडेशन के जिसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी हासिल हुई है सेफर ऑल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करे हैं इन्वायरमेंटली हज़ारडस रेफ्रिजरेंट्स जैसे कि सी एफ सी सी एफ़ सी जो क्लोरो है जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है उसके लिए हमें सेफ अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए हैं सी एफ सी से क्या होता है कि जो ओज़ोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में एटमॉस्फेयर uh, के स्ट्रेटोस्फीयर पार्ट में जो ओज़ोन लेयर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है और सी एफ सी ठीक है तो अब इनको सेफर आल्टरनेटिव जो हैं वो सिंथेसाइज किए गए हैं सक्सेसफुली हाउ एवर बहुत सारे बड़े इन्वामेंटल प्रॉब्लम आज भी काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रेव कंसर्न है केमिस्ट के लिए यानी बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है केमिस्ट का एक ऐसा एक ही ऐसा प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझ सकें तो एंजाइम्स का यूज़ करना लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स के लिए और नए एग्जॉटिक मटेरियल्स को बनाने के लिए ये कुछ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हैं जो कि केमिस्ट की फ्यूचर जनरेशन को फेस करने हैं एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया उसे काफ़ी टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट की ज़रूरत होती है इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक गुड केमिस्ट होने के लिए और ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर से शुरू होता है अब सबसे पहले हम नेचर ऑफ़ मैटर को समझते हैं तो मैटर का नेचर कैसा है तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं विद द टर्म मैटर हमारी पिछली क्लासेस से मैटर uh, कोई भी चीज़ है जिसका कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उसको हम मैटर कहेंगे हर चीज़ हमारे आसपास फॉर एग्जांपल बुक पेन पेंसिल वाटर एयर ऑल लिविंग मीन एसेट्रा वो सब मैटर की बनी हुई हैं आप ये जानते हैं कि इनका मास होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं अब हम ये याद करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या थी यानी मैटर की अलग अलग स्टेट्स की क्या क्या खूबियाँ थीं जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हम अवेयर हैं कि मैटर जो है वो तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है सॉलिड लिक्विड और गैस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं मैटर के इन तीनों स्टेट में उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज शोन इन फिगर 1.1 पार्टिकल्स अगर बहुत क्लोजली एक दूसरे से अटैच हैं तो वो सॉलिड होगा ऑर्डरली फैशन में होंगे कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगी ज़्यादा लिक्विड्स में क्या होगा पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज तो होंगे लेकिन वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते होंगे गैसेस में क्या होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होंगे सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले और इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ईजी और फास्ट होगा ईजी और फास्ट होगा सो so, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ़ पार्टिकल्स की वजह से ही डिफ़रेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्ज़िस्ट करती हैं और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट uh, करती हैं सॉलिड का डेफ़िनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है पहली चीज़ लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है hmm. आप देखो ये फिगर वन पॉइंट वन है यहाँ देखें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली बाउंड हैं लिक्विड के लूजली बाउंड हैं और गैसेस के वेरी लूजली बाउंड है गैसेस जो हैं उनका ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है वो कम्प्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस कंटेनर का कम्पलीट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जिसमें उनको रखा जाता है बिकॉज दे आर फ्री टू मूव अच्छा ये जो तीन स्टेट्स हैं मैटर के ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं अगर हम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज कर दें तो हम इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं जैसे सॉलिड को अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड बन सकता है फिर लिक्विड को फर्दर हीट करें तो वो गैस बन सकती है गैस को अगर हम कूल करें तो वो लिक्विड बन सकता है और लिक्विड को फर्दर कूल करें तो वो सॉलिड बन सकता है अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो यूजुअली वो एक लिक्विड बन जाएगा और जो लिक्विड है उसको फर्दर हीट करने पर वो गैस बन जाएगा या वेपर बन जाएगा रिवर्स प्रोसेस में इसी के रिवर्स में एक गैस को जब आप कूल करेंगे तो वो लिक्विफाई कर जाएगी और लिक्विड बन जाएगी उसके बाद में लिक्विड को फर्दर जब आप कूल करेंगे तो वो फ्रीज़ हो करके सॉलिड बन जाएगा ना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कैसे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं तो हमने माइक्रोस्कोप तो हमने माइक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पर ये पढ़ा कि मैटर को मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में क्लासिफाई किया जा सकता है इनको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है अच्छा जब सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी सब्सटेंस के सेम होते हैं केमिकल नेचर में तो उसको कहा जाता है प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर के अंदर बहुत सारे तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं मिक्सर के अंदर एक पार्टिकल हो सकता है एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बिलोंग करता हुआ ठीक है तो मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बिलोंग कर सकते हैं जो कि उसमें रेशो में किसी ना किसी रेशो में प्रेजेंट होंगे उस मिक्सचर के अंदर तो इनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल होता है प्योर सब्सटेंसेस जो कि मिक्सचर को फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं उसके कॉम्पोनट बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि आपके आस मौजूद हैं वो मिक्सर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सल्यूशन जो कि वाटर में आपने चीनी घोल ली एयर है या टी है तो ये सब क्या है ये मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं अच्छा अब मिक्स ये सभी मिक्सचर्स हैं एक मिक्सचर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है या हेटरोजेनस मिक्सचर हो सकता है तो होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली uh, मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ इसका मतलब यह है कि कॉम्पोनेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट दी बल्क ऑफ दी मिक्सचर और उसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट शुगर सोलूशन और एयर जो है वो एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर के इसके कॉन्ट्रास्ट में एक हेड्रोजेनस मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट और कभी कभी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स विजिबल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्सचर ऑफ़ सॉल्ट एंड शुगर सॉरी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ग्रेन्स एंड पल्सेस अगर uh, उसमें कुछ मिट्टी भी आप मिला दें कुछ स्टोन पीसेस मिला दें यानी आप नमक और चीनी मिला दें आपस में या फिर अनाज को आप दालों के साथ मिला दें उसमें थोड़ी मिट्टी भी मिला दें तो ये सब हाइड्रोजेनस मिक्सचर होंगे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं मिक्सचर्स के जो जो आपकी डेली लाइफ में आप देखते हैं अच्छा uh, यहाँ पर ये मैंशन करना ज़रूरी है कि, कि किसी भी मिक्सचर के जो कॉम्पोनेंट हैं वो uh, उनको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल uh, मेथड से जैसे कि आपका सिंपल हैंड पिकिंग फिल्टरेशन क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन ठीक है प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती हैं मैन्यू उससे मिक्सचर से यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्सचर से काफ़ी अलग होती हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं प्योर सब्सटेंसेस के उनका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है कॉपर सिल्वर गोल्ड वाटर और ग्लूकोज जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के गलूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है फिक्स रेशो में और उसके जो पार्टिकल हैं वो सेम कॉम्पोजिशन के होते हैं तो सभी दूसरे प्योर सब्सटेंसेस की तरह ग्लूकोज का भी एक फिक्स कॉम्पोजिशन है इसके जो कॉन्स्टिटुंस हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपल फिजिकल मेथड से ठीक है प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में पार्टिकल्स एक एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ़ एक टाइप के एटम के बने हुए होते हैं और ये पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम के साथ आप फेमिलियर हैं एटम को आप थोड़ा बहुत पहचानते हैं प्रीवियस क्लासेस से और मॉलिक्यूल को थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान एटम और मॉलिक्यूल के साथ है लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में यूनिट टू में पढ़ेंगे सोडियम कॉपर सिल्वर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एसेट्रा कुछ एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के और इनके सभी एटम्स एक टाइप के होते हैं लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो अलग अलग होते हैं इन नेचर कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम या कॉपर उसके अंदर एज देयर कॉन्स्टिटूंट पार्टिकल्स एटम होते हैं कुछ दूसरे जो हैं उनके कॉन्स्टूंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज में मॉलिक्यूल्स होता है बेसिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें दो एटम कंबाइन करते हैं रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल देने के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अच्छा जब जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के कम्बाइन करेंगे एक डिफाइन एक डेफिनेट रेशो में तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल मिलता है अच्छा इसको अगर हम डीपली देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूंट है कंपाउंड के उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में फ़िजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय केमिकल मेथड्स एग्जांपल क्या है केमिकल मेथड के आ, सॉरी एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड्स के तो एग्ज़ाम्पल हो गया वाटर अमोनिया वाटर यानी एच टू अमोनिया यानी एन एस थ्री कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड सीओ टू शुगर एट्सट्रा एच्ट्रा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के उनको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर वन पॉइंट फोर में अब आपको ये याद रखना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें दो हाइड्रोजन आइटम होते हैं और एक ऑक्सीजन आइटम होता है इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें दो ऑक्सीजन आइटम होते हैं जो कि एक कार्बन आइटम के साथ कंबाइन करते हैं तो अलग अलग जो ये फिगर की बात हो रही थी फिगर 1.4 पॉइंट फोर यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए H2O और यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ कंबाइन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मॉलिक्यूल बनाने के लिए दोनों मॉलिक्यूल का यहाँ पे फिगर दे रखा है फॉर्मूला दे रखा है डिपिक्शन है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा एक चीज़ और कि कंपाउंड के अंदर जो हर एलिमेंट की जो मात्रा है वो एक फ़िक्स और डेफिनेट रेशो में होती है और ये रेशो कैरेक्टरिस्टिक होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं उसके कॉन्स्टुंट एलिमेंट से यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज से अलग होंगी फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज हैं लेकिन जो कंपाउंड बनता है इनके कॉम्बिनेशन से वाटर वो एक लिक्विड है तो ये इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि हाइड्रो पॉप साउंड से बर्न करता है ऑक्सीजन हेल्प करती है ऑक्सीजन हेल्प करती है इन बर्निंग समथिंग ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबस्टन की लेकिन वाटर को फायर एक्सटिंग के तौर पे यूज करते हैं मतलब आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बर्न करती है पॉप साउंड, ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबस्टन की लेकिन इन दोनों से मिलके जो बन रहा है वो फायर एक्सटिंग के तौर पे यूज होता है ठीक है सो so, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उनका मेजरमेंट यानी कैसे हम uh, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और उनको कैसे हम मेजर करेंगे ठीक है सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ओके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हर सब्सटेंस की यूनिक या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर ओडर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंपोजिशन कम्बस्टिबिलिटी रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस एक्सेट्रा और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जा सकता है या ऑब्ज़र्व किया जा सकता है बग़ैर आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस को चेंज किए हुए केमिकल uh, प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट है या ऑब्ज़र्वेशन है उसमें एक केमिकल चेंज की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि बीच में केमिकल चेंज इन्वॉल्व होगा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो मेजरमेंट है उसके अंदर हमें एक केमिकल चेंज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो एग्जांपल्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की इनके अंदर आता है एसिडिटी या बेसिसिटी कम्बस्टिबिलिटी एट्सट्रा केमिस्ट डिस्क्राइब करते हैं इंटरप्रेट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी किसी भी चीज़ को वो कैसे एनालाइज़ करेंगे सबसे सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता करेंगे और तब वो उसके नेचर को डिस्क्राइब इंटरप्रेट या प्रिडिक्ट कर पाएंगे जो कि केयरफुल मेजरमेंट्स के साथ किया जाता है और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ किया जाता है इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करेंगे तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है प्रॉपर्टीज़ का उसको हमें रिक्वायर करना पड़ेगा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है मैटर की जैसे कि लेंथ एरिया वॉल्यूम ये क्वांटिटेटिव होती हैं इन नेचर और कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर और उसके बाद एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम उसे मेजर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ ऑफ अ रूम कैन भी रिप्रेजेंटेड है सिक्स मीटर एक कमरे की लंबाई जो है वो छः मीटर हो सकती है यहाँ पे छः जो है वो नंबर है मीटर जो है वो यूनिट है एम जो है वो मीटर है और मीटर यूनिट है यूनिट ऑफ लेंथ लेंथ इन विच इट इज़ मेजर्ड ओके मीटर इज़ द यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड अच्छा दो अलग अलग सिस्टम थे पहले मेजरमेंट के एक तो था इंग्लिश सिस्टम मीट्रिक सिस्टम जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज़ होते थे ठीक है तो जो मीट्रिक सिस्टम है वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ लेट एटीन सेंचुरी में जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था बाद में एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की जब ज़रूरत महसूस हुई साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा तो एक ऐसा सिस्टम इस्टब्लिश किया गया नाइनटीन में और उसकी डिटेल हमने नीचे डिस्कस की है तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स है जिसको हम एस आई यूनिट बोलते हैं तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स है फ्रेंच में जिसको ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स जिसको एब्रीविएट करके हम एस SI आई लिखते हैं क्योंकि वो सिस्टम इंटरनेशनल है एस पहले है आई बाद में है लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं इट बिकम्स इंटरनेशनल सिस्टम सो वो आई एस हो जाता है तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ऐसा SI, ही जो हम यूज़ करते हैं वो है ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स और इसको स्टैब्लिश किया गया एलेवन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स के द्वारा सी जी पी एम कॉन्फ्रेंस हाँ सी जी पी एम सी जी पी एम की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस जनरल सेट मेजर्स तो जो सी जी पी एम है वो एक इंटर वॉट इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है अच्छा इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया था डिप्लोमैटिक ट्रीटी ने जिसको मीटर कन्वेंशन बोलते हैं डिप्लोमैटिक ट्रीटी जिसका नाम मीटर कन्वेंशन था जिसको साइन किया गया पेरिस में 1875 में अच्छा जी अच्छा सबसे पहले क्या क्या हमने इसमें छोड़ दिया देखो जो बेस फिजिकल यूनिट्स हैं और उनके यूनिट्स जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स तो सबसे पहले कितनी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको पढ़ लेते हैं उनकी यूनिट्स पढ़ लेते हैं और क्या सिंबल इस्तेमाल होता है उस क्वान्टिटी के लिए और क्या सिंबल इस्तेमाल होता है उसके ऐसा यूनिट के लिए सबसे पहले ये लेंथ लंबाई लंबाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट है मीटर मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी है मास मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट है ऐसा यूनिट किलोग्राम जिसको हम के जी से रिप्रेजेंट करते हैं तीसरी है टाइम जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट है सेकेंड जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं चौथी है इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट का जो नाम है वो है एम्पियर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की जहाँ तक बात है तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी ऐसा SI यूनिट का नाम है कैलवन कैलवन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी ऐसा SI यूनिट है मोल और उसकी ऐसा SI यूनिट का सिम्बल है एमओ एल इंटेंसिटी जो है उसको हम आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला और सी डी सी सिंबल है अच्छा जी बीच में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया वो और पूरा कर लेते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट का मेंटेनेंस कैसे होता है तो जो सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स है जिसके अंदर यूनिट डेफिनेशनस आती हैं वो टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं जब भी एक्यूरेसी मेजरमेंट की किसी भी पर्टिकुलर यूनिट की उसको बढ़ाया जाएगा सब्सटेंशियली नए प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके तो जो मेंबर नेशंस हैं मीटर ट्रीटी के जिन्होंने 1875 में साइन किया था अब वो उस चेंज पर एग्री करने चाहिए जो मतलब वो पुरानी डेफिनेशन पे तो एग्री किए हुए हैं अब जो आप नई डेफिनेशन दे रहे हो उस पर उन्हें एग्री करना चाहिए और हर मॉडर्न इंडस्ट्रलाइज कंट्री इंडिया को इंक्लूड करते हुए उसका एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है एन जो कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को मेनटेन करता है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दी गई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एन पी एल न्यू डेली को और ये लेबोरेटरी जो है ये लेबोरेटरी जो है ये इस्टेबलिश करती है एक्सपेरिमेंट्स को ताकि जो बेस यूनिट है उसको रियलाइज़ किया जा सके और जो ड्राइव यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं उनको रियलाइज़ किया जा सके और मेंटेन करती है नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये पेडिकली इंटरकम्पेयरड होते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ जो कि दूसरे नेशनल मेटेरोलॉजी इंस्टीट्यूट मेटरोलॉजी इंस्टीट्यूट में हैं इन वर्ल्ड और जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पेरिस में स्टैब्लिश हुआ ओके लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस एस आई सिस्टम के सेवन बेस यूनिट्स हैं जो हमारा एस आई सिस्टम है उसके सेवन बेस यूनिट्स हैं और उनको टेबल वन पॉइंट वन में लिस्ट किया गया है ये जो यूनिट्स हैं ये सेवन फंडामेंटल साइंटिफिक क्वान्टिटीज़ को अधर करते हैं या परटेन करते हैं उसको जो दूसरी फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं जैसे कि स्पीड वॉलीम डेंसिटी उनको डराइव किया जा सकता है इन क्वान्टिटीज़ से ठीक है अच्छा जी इसके आगे देखें तो जो डेफिनेशन है एस आई बेस यूनिट की वो टेबल वन पॉइंट टू में दे रखी है कि क्या मतलब है एक मीटर का या क्या मतलब है एक किलोग्राम का जो ऐसा ही सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है कि हम प्रिफिक्स यूज़ कर सकें मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट को इंडिकेट करने के लिए ये जो प्रिफिक्स हैं ये टेबल वन पॉइंट थ्री में लिस्ट किए हुए हैं अब सबसे पहले हम कुछ क्वान्टिटीज़ देखेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे इस किताब के अंदर और उनकी डेफिनेशन ओके okay. सात क्वांटिटीज़ हैं यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट ऑफ मास ओके तो काफ़ी ज़्यादा है इसके बाद में ये है ये पहले कर लेते हैं उसके बाद मास एंड वेट हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर में मेजर होती है जो मीटर है जिसका सिंबल एम है वो एस यूनिट ऑफ लेंथ में उसको डिफाइन किया जाता है जब हम फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में सी टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट जब इसको आप यूनिट मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हो जहां पे जो सेकेंड है वो डिफाइन किया जाता है इन द टर्म ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये हुआ आपका मीटर दूसरा है यूनिट ऑफ मास जिसको हम किलोग्राम कहते हैं तो जो किलोग्राम है जिसका सिंबल है के वो ऐसा यूनिट है मास की उसको डिफाइन किया जाता है बाय टेकिंग द फिक्स्ड मेमरिकल वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एच टू बी सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स जीरो सेवन जीरो वन फाइव इन टू ट्वेंटी पा माइनस थर्टी फोर वन एक्सप्रेस इन द यूनिट जे एस डेट इज़ डू सेकेंड जो कि एकवल है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के जहाँ पर जो मीटर है और जो सेकेंड है उसको हम सी और डेल्टा वी के टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं टाइम की यूनिट की अगर हम बात करें तो टाइम की यूनिट है सेकेंड और जो सेकेंड का सिंबल है एस और ये एस आई यूनिट है टाइम की इसको हम डिफाइन करते हैं बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सी फ्रीक्वेंसी जो अन परब्ड ग्राउंड स्टेट है हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है सी जी एम वन थ्री थ्री सी वन हंड्रेड थर्टी थ्री आइटम की वो हम मानते हैं नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवन सेवन ज़ीरो जब आप इसको यूनिट्स यूनिट हर्ट्स में एक्सप्रेस करोगे तो जो कि इक्वल है पर सेकंड के इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें तो वो है एम्पियर जो एम्पियर है जिसका सिंबल ए है वो एसआई SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का और उसको डिफाइन किया जाता है बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी वन पॉइंट सिक्स जीरो टू वन सेवन सिक्स सिक्स थ्री फोर इंटू टू माइनस जब आप उसको यूनिट uh, में एक्सप्रेस करोगे तो वो uh, uh, बन जाएगा सेकेंड hmm. को डिफ़ाइन करना है आपको इन टर्म्स ऑफ दी वॉट यू डिफाइन द सीजियम फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सी हाँ स्पीड ऑफ़ लाइट और सीजियम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फिर आता है कैलवन तो कैलवन सिंबल जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है कैलवन उसका जो सिंबल है वो के है तो जो ऐसा SI यूनिट है थर्मोडाइनमिक uh, टेम्परेचर का जिसको हम डिफाइन करते हैं फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू बोल्जमैन कांस्टेंट की लेकर के के की कितनी लेते हैं वन पॉइंट थ्री एट जीरो सिक्स फोर नाइन इंटू टू माइनस ट्वेंटी थ्री जिसको एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट जूल पर के जी में जो कि इक्वल है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर के पर के वे द किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एच सी एंड दी सीजमिक फ्रिक्वेंसी अच्छा आ, मोल की बात करें जो कि यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो जो मोल है जिसका सिंबल एम ओ एल है वो ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक मोल के अंदर एग्जैक्टली सिक्स पॉइंट जीरो टू टू वन फोर जीरो सेवन सिक्स इंटू टू ट्वेंटी थ्री एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं और ये नंबर फिक्स मेरिकल वैल्यू है एवगारडो कांस्टेंट की जब हम लेते हैं एन ए Uh, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट पर मोल में और इसको कहा जाता है वगैरह टू नंबर और जो अमाउंट ऑफ़ सब्सटेंस है उसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो सिंबल uh, है वो है एन और किसी भी सिस्टम ऑफ मतलब कितने स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज उसके अंदर है हम ये नाप सकते हैं एक एलिमेंट्री एंटिटी आइटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है आयन भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या कोई दूसरा पार्टिकल भी हो सकता है या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है लूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो जो कैंडेला है जिसका सिम्बल है सी वो ऐसा यूनिट है लूमिनस इंटेंसिटी की किसी भी गिवन डायरेक्शन में और इसको हम डिफाइन करते हैं बट टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लूमिनस इफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी फाइव फोर जीरो इन टू टेन टू दर्ट्स ठीक है okay. जहां पे मीटर किलोग्राम और सेकंड को हम एच सी और सीमिक फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेते हैं ओके okay. अच्छा एक चीज़ और प्रीफिक्स जो कि हम ऐसा ही सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं उनकी और बात कर लेते हैं तो टेन टू दवार टेन टू दि पार वन से शुरू करते हैं टेन टू द पावार वन इज़ डेका डी ए टेन टू द पार टू इज़ हेक्टो एच टेन टू दि पार थ्री इज़ किलो के टेन टू द पावार सिक्स इज मेगा एम टेन टू दाइन इज़ गीगा जी टेन टू द पार ट्वेल्व इज़ टेरा टी टेन टू दि पावर फिफ्टीन इज पेटा पी टेन टू द पार एटीन इज एग्जा ई 10 to the power 21 is zeta z, 10 to the power 24 is yota y. Now coming to the negative powers 10 to the power minus 1 is deci d, 10 to the power minus 2 is centi c, 10 to the power minus 3 is milli m, 10 to the power minus 6 is micro mu, 10 to the power minus 9 is nano n. 10 to the power minus 12 is Pico P, 10 to the power minus 15 is Femto F, 10 to the power minus 18 is Eto A, 10 to the power minus 21 is Zepto Z, and 10 to the power minus 24 is Yocto Y.